हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैंने कल वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने जो सीजीएल 2019 का जो कोर्ट केस अपडेट है और रिजल्ट अपडेट है उसके बारे में डिस्कशन किया था और बताया था कि आज हमारा एक हियरिंग है। तो आज की हियरिंग में भी जैसा कि मुझे एक इंट्यूशन था और आप लोगों को भी शायद से इंट्यूशन होगा कि हमेशा की तरह काफ़ी तारीखों के बाद भी आज भी एक नई हमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिली है जो कि 10 मार्च मतलब परसों की है। हालांकि जो गैप है हियरिंग का थोड़ा सा कम है, बट फिर भी ये है कि डेट एक और मिली है, 10 मार्च तक हमें वेट करना पड़ेगा। और ये 10 मार्च हो सकता है अभी और भी आगे जाएगी ऐसी मुझे उम्मीद है, और ऐसा मुझको लग रहा है कि 10 मार्च को भी कुछ होने वाला है नहीं और हियरिंग्स हमको मिलेंगी। तो दोस्तों, मुझे पता है कि मुश्किल होता है किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना, लेकिन उस इंतज़ार को दोस्तों सिर्फ पेशेंस धैर्य बनाए रखिए, उसी से ख़त्म किया जा सकता है इंतज़ार को। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दूसरा ये है कि रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनको थोड़ा सा फोकस करिए उनके ऊपर और उनकी प्रिपरेशन आप कॉन्टीन्यूसली करते रहिए। इसका जो वर्डिक्ट है वो एज इट इज़ आएगा, चाहे आप उसको उसकी तरफ मतलब ताक पर लगाए कर बैठेंगे नज़रें, या फिर आप इसको नज़रें हटा के अपनी पेपर की भी तैयारी करेंगे। इसके रिजल्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अब ये जो पूरा का पूरा जो हॉल है वो कोर्ट के पाले में है। ठीक है, तो लेट द कोर्ट डू इट्स वर्क, को अपना काम करने दीजिए। जब एक केस फंस गया है तो उसको इसका जो निस्तारण है उसको कोर्ट ही कर सकता है। दूसरा दोस्तों, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर क्या कैंसिल हो सकता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, एग्ज़ाम कैंसिल होना मुश्किल है, और ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराना, रीशेड्यूल करना और फिर रिजल्ट डिक्लेयर करना। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मतलब जा चुका है। तो डोंट विश के यार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, जो भी इसका वर्डिक्ट आए उसको आप एक्सेप्ट करिए, और होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। एग्ज़ाम कैंसिल होना भी नहीं चाहिए और मेरे हिसाब से होगा भी नहीं, क्योंकि भाई जब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है यदि वो पेपर जिस तरह से वो बच्चों से लेना चाहती है उन्होंने उस तरह से पेपर लिया है। अब ये तो थोड़ा सा लक फैक्टर भी ऑब्वियसली बात है कि किस दिन आपका पेपर पड़ा है और आपकी मेहनत के अनुसार आपके मार्क्स आ भी गए, किसी के कम आए किसी के ज़्यादा आए, तो मतलब नॉर्मलाइजेशन का कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाएगा तो एब नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि पेपर कैंसिल होगा, नहीं होगा। बस जो भी है कोर्ट या तो कुछ नया फॉर्मुलेशन दे सकता है नॉर्मलाइजेशन का, जिससे चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए और जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो कि अनसेटिस्फाइड है उनको सेटिस्फाई करने की कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करने की कोशिश कर सकती है कोर्ट। लेट्स सी कि क्या भी आउटपुट आता है। तो परसों तक स्टे ट्यून, जो भी अपडेट होगा दोस्तों आई लेट यू नो। प्लीज़ इतनी मतलब मैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल के साथ में जुड़िए और फ्रेंड्स के साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करा करिए, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं उनको भी अपडेट पता रहे एग्ज़ाम के बारे में। और जो सीजीएल 2020 का पेपर था उसका सॉल्यूशन आप लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सॉल्यूशन को देखिए। और अभी हम लोग मतलब जो मैथ्स आपका एग्ज़ाम है 2021 वाले यदि हम बात करें तो टायर वन का एग्ज़ाम के लिए जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं एसएससी में जो साल दर साल कहीं ना कहीं रिपीट ही होते रहते हैं या फिर कंसेप्ट रिपीट होता रहता है, उन सब के ऊपर हम लोग सीरीज़ लेके आए हैं। और उस सीरीज़ में आपको कुछ नहीं, 4-5 मिनट आपको देखना है और एक क्वेश्चन जो है उसका जो बैकग्राउंड है जो उसकी हिस्ट्री है जो उसका कंसेप्ट है वो आपको सीखना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लास। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन मी एनीवेयर जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। ट्विटर पर थोड़ी सी हलचल मेरी कम रहती है, ज़्यादातर जो हलचल है वो यूट्यूब पर और फेसबुक पर और फिर इस पर सर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।